नमस्कार, द बिहार टॉप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, देश में वक्फ कानून संशोधन को लेकर छिड़ी बहस के बीच बिहार सरकार अब एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई करने जा रही है। जो भी अवैध रूप से कब्जा जमाकर वक्फ बोर्ड की जमीन पर व्यवसाय कर रहे हैं या किसी भी रूप में वो जमीन जिनके कब्जे में है, अवैध रूप से कब्जे में है, उनके खिलाफ सरकार अब बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। उनके लिए खतरे की घंटी है। और आपको बता दें कि बिहार सरकार वक्फ बोर्ड में जो सिया और सुनी दो तरह के वक्फ बोर्ड होते हैं, उनके विकास के लिए कई विकासात्मक कार्य भी करने जा रही है। और इसके पीछे की बड़ी वजह है कि सत्ताधारी जदयू के ही कई नेता, चाहे वो बिहार विधान परिषद के सदस्य गुलाम गौस हो या और कई बड़े मुस्लिम नेता, वक्फ कानून संशोधन को लेकर नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं, इसको लेकर नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को, यानी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको मुस्लिम वोटों को दरकने का डर अब सताने लगा है। इसीलिए वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर नीतीश कुमार काफी चिंतित हैं। और मैंने आपको बताया कि वो क्या कुछ करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा है कि सुन्नी और सिया दोनों वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के दुरुपयोग की जाँच कराई जाएगी और इसको लेकर काम शुरू कर दिया गया है। जमा खान ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार उर्दू के विकास और अल्पसंख्यक संस्थाओं को सक्षम बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मदरसा के खाली पदों पर जल्द ही बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जल्द ही राज्य के सभी जिलों में एक एक अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल को संचालित किया जाएगा। एक स्कूल पर करीब 55 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 2024-25 में नालंदा, जमुई और कैमूर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण को सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इसके लिए राजधानी पटना समेत कई जिलों में जमीन चिन्हित की गई है। तो पूरी खबर क्या कुछ थी वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर मैंने आपको बताया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द बिहार टॉप।